ढोलपुर हिंदी प्रचार सभा के अध्यक्ष में सांस्कृतिक परीक्षा जो हुई, हमारे मुल्क से जो अव्वल नंबर में पास हुए, हमारा देश का यही सम्मान जो है मास्टर अबू, बड़े खुशी से हम यहाँ स्वागत करते हैं। राजनीतिक तट पर और सामूहिक तट पर एक ही जैसे कार्य करने वाले अपना सामूहिक मंत्री डॉक्टर एम के मुनीर सर को भी हम स्वागत करते हैं। अपने मुल्क के दुर्वस्था के बारे में अपने कविताओं के सहारे जोर देने वाले प्रशस्त कवि और लेखक श्री मुरुगन काटाकड़ा को भी हम स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम इतना महत्वपूर्ण बनने का कारण यहाँ बैठे विशिष्ट अतिथियों के कारण है। इनके कुछ लफ्जों को हम सुनते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ मेरे साथ आए हुए प्रशस्त कवि मुरुगन काटाकड़ा, रेवरेंड फादर रोजारियो आज के विशिष्ट अतिथि अबू सलीम और सबको मेरा सलाम। ज्ञान अग्नि है, वो चाहे जितने भी अंधेरे में भी उजाला देती है, 1000 बाहों को शक्ति देती है ये उजाला, यही अग्नि। मेरा ये कहना है, ये नौजवान हम सबका भाई अबू हर एक विद्यार्थी के लिए एक अच्छा उदाहरण है। बहुत सारे कष्टों को झेलकर ये नौजवान काफी प्रयत्न करके ये ज्ञान प्राप्त किए हैं। इनको मैं आपके सामने बड़े प्यार के साथ सम्मान करता हूँ। कहाँ जाना है? आपकी वाइफ बुलाई थी। सूरज को लेकर जरा डॉक्टर के पास। क्या हुआ उनको? क्रिकेट खेलकर उसे मोच आया, खाना खाया तो? नहीं जी। ठीक है प्रभा, मैं जा रहा हूँ। अगर सूरज रेडी है तो हम एक साथ चलेंगे ना। सूरज इधर आ, जाओ। हाँ चलो। ए देख, संभल के हाँ चलो। ओफो, चुटकी, माय पप्पी, सॉरी डियर, मम्मी बिजी था ना, इसलिए सूप लाने के लिए देर हो गई। नाराज मत हो। ये सूप पूरा पीने का, नेक्स्ट मंथ शो है तुम्हारा, उस शो में तुमको जीतना है ना। माँ चाय देना। क्या बात है, तुम जाकर चाय बनाओ, मैं इसे खाना खिलाती हूँ। देख नहीं सकते? बिस्तर पे उठकर सीधे आकर चाय के बारे में पूछते हो, शर्म नहीं है तुम्हें? कल्चर बोल रही है, इस चीज को घर पे बैठा के खाना खिलाना आपको बड़ा कल्चर है ना। ज्यादा बात मत करो, तुमसे भी ज्यादा ये मुझे बहुत अच्छे प्यार करती है। आपको भी तो वैसे ही है ना, मेरे से भी ज्यादा लाड़ और प्यार ये कुत्ते को मिल रहा है ना। अभी तुम बच्चा नहीं हो, बड़े हो गए गो, फिर क्या है, इधर क्या कमी है तुम्हें? सिर्फ पैसे बनाने के लिए विदेश में खटने वाले मेरे पापा, अपने बेटे से ज्यादा कुत्ते को लाड़ प्यार देने वाली मेरी माँ। बेटा, वो है ना, पापा आने वाले एक हफ्ता यहाँ नहीं रहेगा, इसका मतलब अपने बहन को तंग नहीं करने का। नमस्कार जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। अच्छा सुनो, सब पहुँच गया ना? हाँ सभी आए हैं। अच्छा सुनिए, आज हम जाने वाले ये यात्रा जैसे हमने प्लान किए बहुत सारे गांवों तक जाके पहुँचना चाहिए। अपने समूह को अंदर से खोखला करने वाली गंदी शक्ति
ज्यादातर वो दारू और गंजा ही है। मर्दों के जैसे इन नशाओं की गंदी आदत महिलाओं के ऊपर भी है। ज्यादा क्यों बोलो, स्कूल में पढ़ते हुए बच्चों के ऊपर भी ये गंदी आदत आ फैली हुई है। इन नशा देने वाले चीजों को बर्बाद करने से ही नहीं, इनके बारे में सच्चाई सबको बतानी चाहिए। हम सब मिलके आज से वो काम करने वाले हैं। बापू, सब कुछ इसमें है, मेडिसिन भी रख ली है, दवा जरूर खाना। जी जरूर, आप जी ख्याल रखना। आप चिंता नहीं करने का, सब टाइम पे मैं दे दूंगा। पिछले महीने भी आप यही बोलते थे मेरे को, वापस आने के बाद देखो तो हर मेडिसिन उसी तरह पड़ा है। बेटा तुम चिंता नहीं करना, इस बार मैं सब ठीक से खा लूंगा। आपके बारे में सोचकर मुझे खुशी होता है, आपके बेटी कहने में मुझे बहुत गर्व होता है बाबू। सिर्फ आपके सेवा हमको कोई नहीं है। बेटा, एक व्यक्ति की जन्म की सफलता वो समूह के लिए जो अच्छे भले काम करते हैं उनके मरने के बाद भी लोग के सोचते वक्त प्राप्त होता है। एक सामूहिक व्यक्ति को ज्यादातर उनकी अपनी ख्याल करने का वक्त ही नहीं मिलता। बेटा तुम्हारी प्रार्थना हर वक्त मेरे साथ ही है ना? है? है? पापा का कोई परेशानी नहीं होगी रे, तुम जरा शांति से रहना। हाँ, आज तक चैनल से है। क्या करो। नमस्कार जी, मिस्टर प्रकाश, आप लोग और आपका चैनल मेरे काम में जो सहायता देते हैं उसके लिए धन्यवाद। लेकिन साधारण पॉलिटिशियन के तरह शाम को नहा के इस्त्री मारे हुए ड्रेस को पहनकर आपके चैनल में आके बैठकर बेकार की चर्चा में भाग लेने वाला पॉलिटिशियन का किरदार निभाने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। बातों से ज्यादा अपने कर्मों पर विश्वास करने वाला आदमी हूँ मैं। कृपया मेरे को मेरे हालात में छोड़ देना। बेटा मैं चल रहा हूँ। ठीक है बापू। चलो। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती बैलों के गले में जब गुंगरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम कोसो दूर हो जाता है खुशियों का कवल मुस्काते हैं, सुन के रहट की आवाजें यूं लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, जब चलते हैं इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइया लेती है, क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया उसने ही पाया प्यार तेरा, यह अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे दिल तो ऐसे धड़क रही थी, कहाँ गई थी तू? ये बेटा कौन है? अरे भगवान, अंदर आओ बेटा। तो ऐसा ही अबू ने शंकर को देखा है ना?
हे अल्लाह, किसी मुसीबत आने से पहले इस बच्चे को बचा दिया। घर छोड़कर आने के बाद कभी भी तेरे माँ के ख्याल आए है क्या? आए। क्या सोचा था तू? माँ तो वहाँ गाय को सिर्फ वही सोचा है क्या? आने के बाद मालूम है तेरे माँ को कितनी चिंता होगी। मैं चिट्ठी लिखकर आया हूँ, उसमें वापस जाऊंगा ऐसा लिखा। कोई बात नहीं, मालूम है तुझे अगर अब 10 मिनट लेट आया है तो मेरे दिल धड़कने लगती है। किसी भी माँ को ऐसे ही होगा। छह महीना हो गया है मुझे एक पांव दर्द आकर। इस दर्द के वजह से मुझे काम नहीं जाना पड़ रहा है। मुझे कितने भी मुश्किल हो, जब मेरा बेटा मेरे साथ होगे तो मुझे खुश होता है। सभी माया ऐसे ही सोचते हैं, उसके जान के ज्यादा उसके बच्चे को देखते हैं। वो बच्चों को ना समझना ही माओं का एक शाप है। नहीं रे सोनिया, वो तो ऐसे ही समुद्र के लहर आके मेरा कछुआ। तुझको मैं पहले बोला था ये सब नहीं हो पाएगा। अबे सूरज, आने वाली चीज रास्ते में नहीं रुकेंगे, अब बोल के फायदा ही क्या है? तेरा टेंशन देख के मेरे को पता चला ये ऐसे ही होगा। कोई हम दोनों को पहचाना नहीं होगा, यही मेरा टेंशन है। अबे किरण, तू बेकार में आदमी को डरा मत। नहीं यार, देखा नहीं होगा। हाँ, अगर देखा होता तो अपन लोग पता चलता अब तक। नहीं रे ऐसे में। यार सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। मैंने देखा, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। हेलो नैन्सी, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। हेलो, हाँ बोलो बोलो। हाँ ठीक है। हाँ मैं नीचे गिर गया रे। इसी को बोलता है जिसको खेलना आता है उसे हाथ में बल्ला नहीं होता। ऐसा बल्ला होने से भी क्या फायदा? अबे इन जैसे बल्लों का ही टाइम अभी चलता है। उनके एक एक फोन के उस पार पे एक एक चिड़िया है। इसको बोलता है बेटा नसीब। चलो, अपना नसीब ऐसा हवा खाने का है। चल छोड़ यार। इस बार के लिए जरा एडजस्ट करना। इस बार का और अगले बार का मैं पक्का दे दूंगा। प्लीज भाई। अबे धंधे में कोई उधार नहीं है, रोकड़ा है, माल अब भी दे दूंगा। टाइम बर्बाद नहीं करने का, चल फुट। भाई तुम लोग जैसे केवी बोला वो क्लिपिंग दिया होता तो हाथ में बहुत पैसा होता ना अभी। हम इसके लिए मैक्सिमम ट्राई किया लेकिन। अरे क्या लेकिन, जो काम बोला है वो कर गया, पैसा लेके आ। मत छुओ, मत छुओ, मत पकड़ो, मत पकड़ो, मत पकड़ो यार।
अरे अरे कहाँ जा रहे हैं आप? घर पहुँच गए, चलिए घर चलिए। ये ऑटो में चढ़ने से पहले ही घर पहुँचे क्या? ये मेरे को उल्लू नहीं बनाने का क्या? आप चलिए। अरे अरे मेरे को नहीं, अरे मेरे को नहीं पकड़ना। तुम कितना बजे उठते हो? 5 बजे। मैं भी आऊं तुम्हारे साथ? मैं वापस जाऊंगा। ये देखो, इसे तोड़कर मालूम है कितने मालाएं बनी है मैंने? उतना सारा माला बनाई है तुम्हें। संभल के देखकर चलना बेटा। तुझे कितने मालाएं चाहिए? 3 लिए ज्यादा माला बनाई थी मैंने। क्यों पुलिस आया है बेटा? क्यों इस तरफ आ रहे हैं? मम्मी 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 किरण मम्मी मत रो बेटा, मत रो। शंकर, बेटा शंकर, तेरे बेटे को छोड़ो। छोड़ नहीं, छोड़ रे बेटे को। छोड़, बोले ना। ए, क्या कर रही है तू? छोड़ उसे, छोड़।
बच्चे को छोड़ दो। रुको रुको, छोड़ तू, मारूंगी तुझे। मेरे बच्चे को छोड़ो, छोड़ से। मैडम मैडम प्लीज, मारिए मत, मारिए मत। मैडम आप उनको मारिए मत, कुछ मत कीजिए। मेरे बच्चे को छोड़ो, मेरे बेटे को छोड़ो। नहीं नहीं, कुछ नहीं करने को उनको। डैडी आजा आजा बेटा, बेटा कैसे हो तुम? नो सर, दरअसल गलती हमारी है और वो पहचानने में हमें कुछ देर लगा। चलो शंकर, शंकर, शंकर। क्यों है? मैंने बहुत कोशिश किया। ये आदमी शराब पीता ही रहता है, परिवार के बारे में सोचता ही नहीं है। सूरज पहुंच गया क्या? उसके बारे में मत पूछो, बहुत देर से आते हैं। मैं वेट करूं क्या? तुम जाओ, मैं देख लूंगी इसको, यही है मेरे नसीब। नहीं डियर, तुम्हारा बगैर इधर क्या अच्छा लगेगा। सुनो जी, क्लब का एनुअल डे 26th को आता है। नहीं नहीं, फिर सुनो, हमारा पापी के आवाज में कुछ डिफरेंट है डियर। मालूम नहीं क्या हुआ उसको, कल से वो ज्यादा खाना भी नहीं खाती है। नहीं नहीं, ये नया डॉक्टर है, मेरी फ्रेंड ने बताई थी। उसकी डॉग को यही डॉक्टर 2 साल से इलाज करता है। हाँ इधर है वो, मैं फोन देती हूँ। लो, तुम्हारा डैडी बात करता है। हेलो, हाँ, अरे मैं मेल करूंगा ना। मेरे को कुछ पैसा चाहिए। क्यों, किस लिए चाहिए पैसा? पिछले महीने 500 रुपये मैंने दिए थे तुम्हें। उससे क्या होगा? किस लिए चाहिए तुम्हें ये रुपये? बेकार पैसे उठाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। आपके हिसाब में मैं क्या अय्याशी कर रहा हूँ? मेरे उम्र के लड़के क्या कर रहे हैं आप बाहर जाके देख लीजिए। बाहर का बारे में मुझसे मत कहो, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो जाकर काम करो, नहीं तो मुझे आकर पैसा मत मांगो, काम के लिए ट्राई करो। क्यों छुपे तू? ओ मम्मी अभी आती हूँ बेटी। अरे माय डियर पप्पी, पप्पी चुप्पी, इसका मौत मेरा ही हाथ से होगा। Thank you.
मम्मी मुझे भूख लगी है। लीजिए सब खा लीजिए। मुझे ये सब नहीं चाहिए। तुम समुद्र में जाकर भीगा इसीलिए हम रेस्टोरेंट में ना जा पाए। मुझे पराठा चिकन ही चाहिए। तू यहाँ का ही खाना दो उसको। अच्छू तू यहाँ ढंग से खाने का वरना तू मेरे हाथ से फिर से मार खाएगा। एक तो मैं पागल हो चुका हूँ। मैं आप किसी को बोलने का नहीं, मैं ये सब डीलिंग कर दूंगा आपके लिए। आप सिर्फ पैसा लगा दीजिए, दो दिन के अंदर मैं काम करके दे दूंगा। ठीक है मैं जैसे बोला ना सब कुछ ऐसे ही करने का। आप जरा बाजू में हट। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अच्छा रॉय सर अभी ये सस्पेंशन की कोई जरूरत नहीं थी। नरेश मुझे किसी को चमचागिरी करने का जरूरत ही नहीं है। अगर ये काम नहीं है तो भी मैं जीऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अगर यहाँ कोई काम नहीं है घर में जाना माजी। अच्छा माजी आप। बेटा तुम्हारा बात सुनकर मैं उधर जाकर पेपर लाई बेटा, इसको देकर पैसा भी दिया। अच्छा नरेश मिला बेटा, मैं उधर जाकर दे दिया, मुझे अभी घर मिला। बहुत बड़ा शुक्रिया बेटा, ये गरीबी माँ को तुम मदद किया, ईश्वर तुमको सब कुछ दे देगा। माँ जी आपको जो भी जरूरत है मुझे बुलाइएगा। ठीक है मैं जाती हूँ। बड़ी अच्छी माँ जी है, मुश्किलें बहुत झेल रही है। Excuse me, sir. Come in. Good morning, sir. Good morning. बैठो। Thank you, sir. Thank you, sir. We are from the Snehajarya College nearby, sir. हमारा कॉलेज में फूड फेस्टिवल कॉम्पिटिशन है। साहब आपसे एक बात बताना है, आप फैमिली के साथ जरूर आइए सर। फंक्शन कब है? सर 15 तारीख को सर। और टाइम? टाइम 5:30 सर। 5:30 ठीक है मैं आऊंगा। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो पढ़ाई करने को कहा तो गुस्से पे बेटा है। अच्छू क्या तुमको पढ़ाई नहीं करना है क्या? मुझे पढ़ना नहीं है। वो क्यों? मुझे दिमाग नहीं है, मुझे स्कूल जाने के लिए फोर्स मत कीजिए। तुम उनको पढ़ाई के लिए बोल रहे ना, वो फ्रस्ट्रेशन है। जो भी है हॉस्पिटल जाते वक्त तक कोई स्ट्रेस ना देना। ठीक ही है। अच्छू को भी लेके जाना है क्या? इनको सोशलाइज करवाने के लिए डॉक्टर ने बताया ना, तुम भी सुना है ना। ठीक है। कुल के बात करो, प्रॉब्लम जितना ही बड़ा है उसके लिए एक हल तो जरूर होगा। माँ की गैर मौजूदगी में तुम बेकार में बहुत कुछ सोचता है। पहले तुम्हारे मन को शांत करो, मैं वादा करता हूँ मैं हूँ तुम्हारा साथ। तुम्हारा जैसा अच्छी लड़की को मैं सूट नहीं होगा। तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने के बाद भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बिलीव मी। मेरे बारे में तुझको कुछ भी नहीं मालूम है, सच जान गई तो तू मुझे छोड़ेगी। सिर्फ तुम नहीं हो, तुम्हारा जैसा अच्छे दिल वालों सब ऐसा ही करेंगे। उस हद तक क्या गलती तुमने किया? ये सब छोड़ो, एक दिन तुझे सब सच मालूम हो जाएगा, उस दिन तू मुझे छोड़कर जरूर जाएगी। देखो मैं नहीं, मैंने बहुत ज्यादा गलत किया, तू मुझे मदद मत करो क्योंकि तू भी इस गलत में डूब जाएगी। एक दिन सच जानकर तू भी मुझे गलत मानेगी। मैं तुझे धोखा दे दिया, तू कभी ऐसा मत सोचना, मेरे प्यार सागर की तरह सच है।
सूरज, सार बुला रहा है। सूरज आ जाओ। अंदर बैठो। मैंने कई बार तुम लोगों को वार्निंग किया है, फिर भी अगर तुमको पता नहीं चला वहीं रहे। देश के लिए भला करने वाले देवताएं। माइकल, वेलकम इंस्पेक्टर साहब, आपका इंतजार मैं कुछ दिनों से कर रहा था। तो अच्छा हुआ मैं आ गया ना, और तुमको ये भी मालूम होगा कि मैं किस लिए आया। वो मेरे को पता चला, बात नहीं सुनने वाले को अपन को बहुत पसंद है, और उसके बदले में बात सुनाने वाले को अपन को पसंद नहीं है। आप फिलहाल जाइए। ये तू जरूर सुनेगा, क्योंकि हुकूमत यहाँ मेरा चलता है। वो फिर तुम कोशिश करके देखो। साहब ये सब मेरा अनुसार नहीं हुआ, सबके पीछे वही है, वो केवी। केवी जी सर, केवी वही है, उनके मुताबिक ही। यही है सर सच्चाई। केवी, वो अब कहाँ है? यहाँ पर आए हुए सब मान्य सदस्यों को स्नेहाचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के हैसियत से स्वागत करता हूँ, और उसके साथ आज हमारे साथ जो मौजूद है विलेज ऑफिसर रॉय सर को ये प्रोग्राम इनॉग्रेट करने के लिए और हमसे दो लफ्ज बोलने के लिए मैं स्वागत करता हूँ। सबको मेरा नमस्कार, आपके अतिथि बनकर इस फूड फेस्टिवल में आने के लिए मुझे बेहद खुशी है। आप लोग इधर ये होटल मैनेजमेंट कोर्स ज्वाइन किए हैं, जितने भी जल्दी हो सके एक नौकरी की उम्मीद से हैं। आपका कर्तव्य पढ़ाई करके एक अच्छा इंसान बनेगा, यही है। आपके बारे में सपना देखने के लिए आपके माता और पिता है, हर एक माता और पिता के सपना उनके बच्चे में। मैं तो कह रही हूँ ना, बेलो तेरे के लिए, दे दो मुझे बेलो, छोड़ो। ए, क्या कर रहा है तू, उतर जा।
छोड़ो मुझे। अरे अच्छू। सॉरी, मेरे बेटे का मानसिक हालत खराब है, हमें माफ कीजिएगा, हम जा रहे हैं। डॉक्टर, मैं रॉय बोल रहा हूँ। अच्छू स्कूल जाने का नाम ही नहीं ले रहे। उस बात का हम ख्याल ही नहीं करना चाहिए। जैसे भी हो सके उन्हें स्कूल कुछ देर बिठाना। जब भी स्कूल भेजता है वो वायलेंट होता है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमसे प्रोटेस्ट कर रहा है स्कूल नहीं भेजने के लिए। वो सब ठीक हो जाएगा। और आप कार्टून कुछ दिखा नहीं रहे ना? बिल्कुल नहीं। गुड। गेम खेलने के लिए जिद कर रहा है क्या? जिद तो वो करता है, लेकिन हम तो वो अलाउ नहीं करते। यही बात इनको बहुत वायलेंट बनाता है। वो सब सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है, सब ठीक हो जाएगा। वो अपनी माँ और बहन को बहुत तंग करता है। आपके साथ कैसा है उसका व्यवहार? वो मेरे से बहुत डरता है, क्योंकि मैं उनको मारेगा यह डर उनका है। सैंड्रा को बोलिएगा ऐसे एक डंडा हाथ में रखने का, तब उनको डर होगा और तंग भी नहीं करेगा। आप कृपया उन्हें मारिएगा। ठीक है डॉक्टर। आप एक काम कीजिएगा, यह रविवार आप उनको यहाँ लाइए, तब तक के लिए स्कूल ना छोड़ना। थैंक यू सो मच डॉक्टर। बच्चे सो गए क्या? सुनिए, डॉक्टर को कॉल किया है? हाँ, मैंने बुलाया। क्या बताए हैं वो? उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते तक स्कूल नहीं छोड़ने का। इनको बताया है कि वो बहुत वायलेंट हो गया है। संडे को इनको लाने बुला। अब टेसी को क्या करना है? हम उनको भी साथ लेके जाएंगे। जल्दी हो, भगवान मेरे बच्चे को ठीक कर देंगे तो अच्छा है। एक और बात, जाने से पहले चर्च जाकर प्रे करना है हमको। अब ज्यादा देरी नहीं करने का, हम कल ही चले जाते हैं। मैं नरेश को बुला के छुट्टी के बारे में बोलूंगा। ठीक है। सुनिए, हाँ? एक हफ्ते तक लीव मांगिए ना, अगर हमको वहीं ठहरना पड़ेगा तो ठीक है। कुछ खरीद कर लाना है क्या? अगर चाहिए तो फोन कर लेती हूँ मैं। टाटा। बाय मम्मी। यही उठने का समय है क्या? आओ बेटा और खाओ। मुझे गेम खेलना है। देखो सुबह सुबह मुझे तंग मत करना, तेरे डैडी को फोन कर लेती हूँ। क्यों पापा को फोन करना है? मुझे मारने के लिए क्या? अगर तुम बुरा किया है तो जरूर मारेंगे। तो पापा से कह रहे हैं तब भी वो मार रहे हैं ना मुझे? तो जाए ना। ए, क्या कह रहा है तू? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नरेश। सर मैं एक हफ्ते के लिए छुट्टी में हूँ, अपना बेटे को लेके हॉस्पिटल जाना है। साहब ठीक हो जाएगा सर, जो भला करता है भगवान उसका देखभाल भी करता है सर। अभी मेरा प्रार्थना सिर्फ अच्छू के लिए है, बाकी के बच्चों का खेल और नोकझोंक देखने से मेरे को बड़ा तकलीफ होता है। आखिर अब कब मैं अपने बेटे को ऐसे देख सकूंगा? साहब ठीक हो जाएगा सर, हम सब आपके बेटे के लिए दुआ करेंगे सर। हेलो रोहित सर है क्या? हाँ जी। आप घर को जल्दी वापस आइए। क्या हुआ? पहले आप आइए फिर बता दूंगा। बात क्या है बताइए। हेलो हेलो क्या हुआ सर? नरेश मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है, मेरे को तुरंत अभी जाना है वहाँ। तो मैं भी आता हूँ सर। अरे सब लोग आ जल्दी। सब लोगों को इन्फॉर्म किया है क्या? हाँ इन्फॉर्म किया है, वो लोग बहुत दूर है ना। पुलिस को इन्फॉर्म किया है क्या? ऑफ कोर्स, मैंने पहले ही फोन किया था, आते होंगे। हाँ ठीक है बाद में फोन करो। अरे जरूरी बात करना है, थोड़ा वेट करो, अभी सब आया है। जाओ जाओ मैं रुकूंगा, मैं रुकूंगा। क्यों क्या हुआ? सब क्यों ऐसे खड़े हैं? क्या भैया क्या हुआ? अच्छू मेरा बेटा, क्या हुआ रे? बताओ ना क्या हुआ, बताओ ना अच्छू, बताओ ना क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? भगवान है भगवान। Thank you.
सैंड्रा, सैंड्रा। हाँ ये तो बहुत मुश्किल का केस है, क्या बताना है, बैड टाइम। मैं बाद में फोन करूंगा। क्या हुआ रे? अब सर साहब तो ऑफिस में था, उसका बेटी स्कूल में थी, इधर तो उसका बेटा और वाइफ अकेले थे। उसका बेटा का तबीयत ठीक नहीं साहब। उसका मतलब? उसका बेटा का थोड़ा प्रॉब्लम है साहब। ठीक है, ये हुआ कैसे? ये बेटा का काम और नहीं तो मैडम खुद नीचे गिर के हो गए नहीं मालूम सर। सैंड्रा, सैंड्रा आंखें खोलो सर। ए नरेश, सैंड्रा। सैंड्रा आंखें खोलो सैंड्रा। सैंड्रा सर, सर, रॉय सर, रॉय, चुप क्यों लेटी है? इनको जरा यहाँ से हटाओ सर। चले चले। सैंड्रा आराम से, आराम से। सैंड्रा, सैंड्रा ऐसे नहीं जाने का, सैंड्रा, सैंड्रा, सैंड्रा। सर संभालो सर, आपने आपको, सर सर, सर सैंड्रा ऐसे नहीं जाने का हमें छोड़ के। मम्मी, बेटा। सैंड्रा, जरा हटिए। मिस्टर रॉय, हम ये बच्चे को ले जा रहे हैं। नहीं सर, मेरा कुछ बातें पूछनी है। नहीं सर, मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा सर। पापा, मुझे छोड़िए। अच्छा, मुझे पापा के साथ जाना है। सर, मेरा बेटा को नहीं ले जा रहा सर। मुझे छोड़िए। अच्छा, सर सर सर, संभालो सर, अपने आप को। सर कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं करेंगे सर। अच्छा बेटा, अच्छा अच्छा, मेरा बेटा को नहीं ले जा रहा सर। सर मेरा बेटा को नहीं ले जा रहा सर। सर क्या हुआ सर? पुराने कुछ यादें। पानी मिलेगी क्या? मिलेगी सर। गाड़ी लीजिए जी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। हाँ रॉय। हाँ जी, आइए आइए बैठिए। थैंक यू। बेटे की पढ़ाई सब कैसी चल रही है? सब अच्छी तरह जा रहा है। एक खुशखबरी है, अच्छू का रिजल्ट आया। अच्छा ऐसा क्या? हमें मनानी है ना, उससे पहले उनको जरा बताना है ना। जी हाँ। आइए।
बेटा पापा बेटा तुम एमडी फर्स्ट क्लास में पास हुआ बेटा पापा मेरे को एक खुशखबरी मम्मी को सुनाना है आप आइए पापा मम्मी मैं पास हो गया मेरा सपना कामयाब हुआ मेरा बेटा अच्छू सेंड्रा की मौत एक हादसा था पुलिस ने रिपोर्ट लिखा रॉय अच्छू को पढ़ाया और एक बहुत बढ़िया डॉक्टर बनाया उनका हालत और किसी को ना हो इसलिए अच्छू का प्रयत्न जारी है ये सब देखकर ऊंचे आसमान में बैठे कहीं पर वो माँ दिलो दिल से मुस्कुरा रही होगी दूसरों की अच्छाई और दुनिया की भलाई के लिए गरीबों और निर्धनों की बढ़ाई और उनकी उन्नति के लिए सारे देश के लोगों की उन्नति और उनकी सहायता के लिए अपनी जीवन त्याग करके रखा है ये महत्व व्यक्तित्व हमारे बड़े आदरणीय श्रीमान एस एस श्रीधर सर को हमारे गांधीयन समिति क्लब के ओर से उनको पुरस्कार दिया जा रहा है अभी इसी वक्त इस पुरस्कार सम्मान करने के लिए हमारे कल्चरल अफेयर्स मिनिस्टर श्री मिथुन गोखले जी को मैं स्वागत करता हूँ पुरस्कार स्वीकार करने के लिए मैं एस एस श्रीधर जी को भी स्वागत करता हूँ हर एक पुरस्कार
हमें और ज्यादा काम करने के लिए प्रेरणा देती है। इसके कारण इतने बड़े पुरस्कार हम स्वीकार करने के साथ साथ मेरे अंदर के दौत्य और भी ज्यादा बढ़ गया है। सिर्फ बातों से ज्यादा कर्मों को महत्व देता हूं मैं, इसलिए मेरा भाषण मैं यहां पर समाप्त करता हूं। सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद। कितने सारे भले काम श्रीधर सर ने किए हैं हमारे लिए। सबसे ज्यादा इंटरनेट के जरिए पोर्नोग्राफी की रैकेट चलाने वाले और उनपे से पैसा बनाने वाले, इस समूह को बर्बाद करने वाले केवी जैसा क्रिमिनल को पुलिस से पकड़वाने में इनके प्रयत्न का फल है। इनके बहुत सारे कोशिश के कारण पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की ताकत भी बढ़ गई। इनके बारे में युवा कलाकार गौतम कृष्णा एक डॉक्यूमेंट्री पिक्चर तैयार किया है, अब हम वो देख सकेंगे। श्रीधर सर के बारे में और ज्यादा हम वो डॉक्यूमेंट्री देख के पता करेंगे। इसको भी जरा उठा लेना। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी, मानव, ये सब इस प्रपंच का एक बड़ा हिस्सा है। ये आदमी भारतीय नेचरों को खूब बड़ा करने के लिए बहुत काम किया। हर तरफ पेड़ और पौधों को बड़ा करके सबका दिल में एक स्थान ले लिया ये आदमी। वो बात भी नहीं है, अस्पताल जाकर हर गरीबों को दिल में ये प्यार दिया, पेशेंट को ये ज्यादा हेल्प किया। ये संसार में इस तरह एक आदमी मिलना भी बहुत मुश्किल है। अच्छा आदमी है, इसका जीवन सबके लिए परित्याग किया, हर गरीबों को ये मदद किया। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब ये कुछ भी नहीं देखता है। अंधेरों को हटाकर दीप जलाकर सबका मन का रोशन किया है। ये इतना बड़ा अच्छा आदमी है। हमारे तैयार किए गए नए सेट की लॉन्चिंग इसी वीडियो रिलीज करके ही होगा। फिलहाल कुछ दिनों के लिए पुलिस की झंझट नहीं होगी, समझा नहीं क्या? उनको मेरी तरफ से एक छोटा सा भेंट है, केवी, वो उनके साथ व्यस्त रहेगा। अगर केवी सब सच सच बता दिया तो? उदास की तरह केवी भी मिट्टी के साथ मिल जाएगा। अरे अब अगर ये मेरा नाम बोल भी दिया तो कोई जल्दी से विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए ना ये सोशल वर्कर की इमेज बढ़ाया है ना मैं।
अबे इसको बंद करो ना। हेलो सब शांत हो जाइए, ये दरअसल धोखा है। तू धोखा दे रहा था, तू धोखा दे रहा। आप लोग मेरे को विश्वास करो, किसी भी हालत से मेरे को ये मालूम नहीं थे इसके बारे में। ये मेरे को कोई जानबूझ के धोखा दिया है। साहब ये धोखा है, ये किसी ने जानबूझ के किया है। ये जो आप बोल रही है सच नहीं है, तो फिर क्या सच है बोलने का हक भी आपका बनता है। अरे आप क्या बोल रहे हैं अभी, श्रीधर को सिर्फ एक ही चेहरा है और वो सबको मालूम भी है। जो देखा वो सुंदर है और अनदेखा अति सुंदर है। श्रीधर सर बताइए, मेरे इमेज खरोचने के लिए कोई जानबूझ के ये किया है सर। कोई भी कुछ भी बकने के कारण मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करना। सबके बड़ा आदरणीय श्रीधर सर, ये किसी का क्रिएट किया हुआ फेक वीडियोस नहीं है, बल्कि यही है सच्चाई। आपका बड़ा चेला है ना केवी, वो तुम्हारे बारे में सब डिटेल मेरे को बताया, तुम्हारा हर एक हाइडआउट के बारे में पक्का डिटेल्स मेरे को दिया, उनका दिया हर एक डिटेल के सहायता से तुम्हारा हर एक अड्डा हमने छाट मारा। वहां पर तुम्हारे जाने बिना हम कई हिडन कैमरा लगवाए, इस समूह को बर्बाद करने के लिए तुमने जो हिडन कैमरास लगवाए, तुम्हारे ही हित के खिलाफ हमने फायदा उठाया। अपना काला मुंह छुपा के तुमने जो इलीगल एक्टिविटीज किए, ये सब इन लोगों तक पहुंचाने का जिम्मेदारी मैंने उठाया और मैंने वही किया। मिस्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, इनको ऐसे नहीं छोड़ने का, इनको ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगाने का। यस सर, आप दुनिया की कोई भी ताकत इनको मेरे से बचा नहीं पाएंगे। टेक हिम। अबे चल ना रे। अपनी गलती तुम लोगों ने मेरे को आके बताया। हर एक शिक्षा की लक्ष्य परिवर्तन है और तुम में वो परिवर्तन मुझे दिखाई दे रहा है। तुम्हारी शिक्षा कम किया है वो कभी भूलने का नहीं। नहीं साहब, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, बहुत बुरा काम किया था। तुम लोग सिर्फ जिंदगी शुरू किया है, और भी जाना है बहुत दूर। जो हुआ सो भूल जाओ और आने वाली जिंदगी के लिए तैयारी करो। पैसा जिंदगी में सब कुछ नहीं है। कानून की भाषा में गुनहगारों को इन्वेस्टिगेशन के बीच में कुछ वक्त दिए जाते हैं, वो है बेल। एक बोले तो अच्छे और बुरे काम करने का न्याय बोलने से पहले भगवान के हाथ से दिया गया वैसा एक वक्त है जिंदगी। So, use this bail carefully. हेलो।